दोघांनी सेम सेम ब्लॅक घातलं. इकडे बघ माझ्याकडं. पहिले भांग तर करू दे मला. असं बघ ना, असं माझ्याकडं तू सुंदर दिसला पाहिजे ना. तुझे सर्व प्रश्न. पापा आने के बाद सिर्फ परेशान करना पापा को. मैं फ्रेंड है दोगो है ना भाई. अजू मेरा फ्रेंड है ना. अद्वैग आप पापा के फ्रेंड हो क्या? बेस्ट फ्रेंड है. हाँ ऐसा वैसा फ्रेंड नहीं है. इधर देखो आज का डेकोरेशन मैं करूंगी पापा. चलो देख लेता है. सुंदर अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30-3:15 बजे है. और इन्होंने क्या किया, सुबह मुझे उठाया ही नहीं. मुझे ना एक्चुअली मैं सोच रही थी कि कल रात को मैंने सोचा था कि मैं इनके लिए अच्छा सा एक कोई ब्रेकफास्ट बना दूंगी सुबह सुबह. हाँ एक मिनट अद्विक मुझे बात करने दो बेटा. के लिए सुबह उठूंगी और बहुत सारा सोचा था इनके लिए. बट इन्होंने क्या किया, वो बोल रहे थे कि आपकी नींद पूरी नहीं होती इस वजह से इन्होंने उठाया ही नहीं. अलार्म की वजह से मेरी नींद खुलती है बट इन्होंने अलार्म बंद करके रखा था और मेरी आज नींद ही नहीं खुली. मतलब मैं 8:30 बजे उठी आज और फिर देखा तो ये चले भी गए थे ड्यूटी. और फिर देखा किचन में आके इन्होंने मतलब आवाज़ बिल्कुल नहीं किया. इन्होंने आके ब्रेकफास्ट भी बनाया उनके लिए और वो टिफिन में भी लेके गए. तो मुझे पता ही नहीं चला यार आज मतलब एनिवर्सरी के दिन मेरा जो प्लानिंग था वो फेल हो गया. इनके लिए जो बनाना था मुझे वो तो प्लानिंग मेरा फ्लॉप हो गया. लेकिन मैंने ना इनके लिए जो इनकी फेवरेट सब्जी है वो बनाई है. ये वाली सब्जी पातोड़ी की सब्जी आज बनाई है इनके लिए. मैंने सोचा चलो थोड़ा सा उनको अच्छा लगेगा. रात को तो स्पेशल डिनर बनेगा ही बट अभी के लिए मैंने इनके लिए सब्जी बना दी पातोड़ी की. आपके साथ रेसिपी आई थिंक शेयर की है मैंने इससे पहले भी इसकी. अगर आपको चाहिए हो तो रेसिपी शेयर कर दूंगी आपके लिए और आप ज़रूर कमेंट करके बताना. और हाँ इन्होंने ना मुझे लगा था कि आज भी मुझे केक घर पे बनाना पड़ेगा और आज भी पता नहीं एनिवर्सरी के दिन मेरा केक अगर बिगड़ गया तो फिर और मूड खराब होगा. बट इन्होंने ना केक लाया है मतलब जहाँ से जो बेकरी में वो पाव वगैरह लेके आते हैं ना तो उस बेकरी से ही इन्होंने केक लाया है. और एक केक नहीं दो केक लाए हैं आज. केक तो मैं बाद में आपको दिखा दूंगी. एक्चुअली देखो यहाँ पे है दो केक लाए हैं. तो मुझे लगा था कि केक मिलेगा नहीं. सोचा चलो कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा ट्राई करूंगी शाम को और केक बनाना पड़ेगा कैसे भी. अभी आज भी बिगड़ गया तो और मूड खराब हो जाएगा. बट नहीं वैसा नहीं होगा. आज केक मिल गया है और लकीली केक मिल गया है. लक अच्छा है हमारा. वो भी इनको लगा कि अगर केक मिल ही रहा है तो दो लेके जाते हैं बच्चे भी खा लेंगे बाद में. तो इसी वजह से ये दो लेके आए हैं. एक के बदले दो केक लेके आए हैं. तो चलिए अभी इनके लिए सर्व करती हूँ क्योंकि अभी अभी आया है. 3 बजे ही है. अभी बज रहा है 3:30. बात करते करते 3:30 हो गए. तो चलिए इनके लिए सर्व करती हूँ खाना और उसके बाद मिलती हूँ आप. करके बताओ कैसे बनी है सब्जी. कैसे बनी सच में? उसको भी भूख लगी है, उसे भी खिलाओ. इसे हमेशा हमारे साथ खाने के बाद भी इसे उसके पापा के साथ भूख लगती ही है.
उसको थोड़ा ये देखो ना इस तरह से। अरे अरे ये क्या कर रहे हो अद्वी? ये ताड़ है, ताड़ ताड़ है, ताड़ बजा रहे हो। लो रात को अच्छा सा डिनर बनेगा आपके लिए अब, क्योंकि आपने सुबह उठाया नहीं ना मुझे, हाँ रेस्ट करने दिया ना इसी वजह से। रात में स्पेशल डिनर बनेगा आपके लिए। सो गाइस अभी बज रहा है शाम के 7 और मैं करने वाली हूँ डिनर की तैयारी। तो आज स्पेशल डिनर बनने वाला है, तो डिनर में बनने वाला है आज कढ़ाई पनीर। तो चलिए रेसिपी शेयर करती हूँ आपके साथ और आप भी देख लीजिए मैं कैसे बनाती हूँ कढ़ाई पनीर। बहुत ही यम्मी बनता है रेस्टोरेंट स्टाइल, तो चलिए जल्दी से बनाते हैं और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइज यहाँ पर कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने गैस पर पैन चढ़ा दिया है और उसमें थोड़ा सा तेल ऐड किया है और उसमें मैं ऐड करूँगी पनीर जो मैंने साइड में रख दिए थे 10 मिनट के लिए। उसे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक और दही लगा के मैंने ये साइड में रख दिए थे, तो यही मैं अभी फ्राई करने वाली हूँ और अच्छे से फ्राई कर लेना है आपको। इसे 5 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करने के लिए आपको, और अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद ये क्यूब्स निकाल लेने हैं आपको एक प्लेट में, और उसके बाद आपको उसकी ग्रेवी की तैयारी करनी है। और ग्रेवी की तैयारी करने के लिए मैं सेम पैन अपने गैस पर चढ़ा दूंगी और उसके बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी, और जो मैंने स्क्वायर शेप में जो शिमला मिर्च और प्याज काट के रखा था उसे मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन चला जाए और ये पक जाए। इस तरह से आपको थोड़ी देर के लिए इसे फ्राई करना है और उसके बाद आपको इसे भी एक प्लेट में निकाल लेना है। और उसके बाद हम लोग ग्रेवी की तैयारी करेंगे, तो ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर सेम पैन चढ़ा दिया है और उसके बाद उसमें तेल ऐड किया है और उसके बाद मसाला ऐड करूँगी, मतलब लौंग, इलायची और थोड़ा सा जीरा ऐड करूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी, मतलब ये जो मसाले है उसका फ्लेवर इसमें आ जाए। अच्छे से भून लेना है आपको ताकि इसका फ्लेवर इसमें आ जाए। इसमें थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी ऐड की है और उसके बाद मैं ऐड करूँगी उसमें प्याज और टोमेटो, और इसे भी अच्छे से भून लेना है आपको, अच्छे से भूनना है आपको इसे। और उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करूँगी और ये हमें प्यूरी के लिए चाहिए होगा, और अच्छे से भूनना है ताकि इसका कच्चापन चला जाए और ये अच्छे से भून जाए। उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे उसमें ताकि जो टमाटर है हमारे जल्दी से गल जाए, और बस उसके बाद अच्छे से भून जाना चाहिए ये मसाला। उसके बाद मसाले को आपको एक ग्राइंडर जार में निकाल लेना है और उसे ग्राइंड कर लेना है। एक्चुअली ये जो मसाला है बहुत ज़्यादा गर्म था गाइज, तो मुझे जल्दबाजी थी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी मैंने सारा कुछ किया था, इसी वजह से मैंने ना मतलब वो ठंडा नहीं होने दिया, नहीं तो आपको मसाला ठंडा होने देना है तब जाके ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। बट ये ना गर्म ही था, तो आप समझ सकते हो इतना ज़्यादा गर्म था ये कि मुझे चटके लग रहे थे हाथों को। और उसके बाद ये मैंने पीसा था
बहुत ज़्यादा गर्म था, हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था वो जो पॉट है वो। तो उसके बाद मैंने ये निकाल लिया और उसके बाद एक छन्नी के हेल्प से आपको ये इसे छान लेना है। और आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भाप निकल रही है उसमें से। ये मैं छान इसलिए रही हूँ ताकि हमें अच्छे से फाइन प्यूरी चाहिए इसकी, और इसी वजह से आपको इसे छान लेना है। उसमें जो मसाले हमने खड़े मसाले ऐड किए थे और जो टोमेटो वगैरह ऐड किया था, उसकी जो स्किन रहती है वो भी अच्छे से क्या बोलते हैं उसे, वो सेपरेट हो जाए और हमें अच्छे से फाइन प्यूरी मिले। थोड़ा सा पानी भी आप ऐड कर सकते हो उसमें, और पानी ऐड करके भी उसमें डाल सकते हो। और आप देख सकते हो जो प्यूरी है हमारी, ऊपर उसके छिलके वगैरह रह गए थे और जो मसाले हैं वो भी रह गए थे, तो उसका जो फ्लेवर है उसमें आ गया था एक्चुअली। इसी तरह से एकदम फाइन प्यूरी हम सेपरेट निकाल लेंगे और जो मसाले जो छिलका वगैरह है या कुछ भी है तो वो अलग सेपरेट निकाल लेंगे। वो मतलब वो ना फेंकने के लायक ही होता है, वो हम लोग फेंक देंगे उसमें और प्यूरी हम लोग साइड में निकाल के रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, उसमें तेल ऐड करूँगी और उसके बाद उसमें ऐड करना है आपको तेज़पत्ता और दालचीनी, थोड़ा सा तेज़पत्ता और दालचीनी ऐड करनी है और इसे होने देना है अच्छे से ताकि उसका जो फ्लेवर है उसमें आ जाए। उसके बाद आपको लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है और उसके बाद जो प्यूरी हमने निकाल के रखी थी साइड में वो ऐड कर देनी है उसमें और अच्छे से चला लेना है ताकि जो पानी है उसका वो मतलब क्या बोलते हैं वो सूख जाए और अच्छे से आपका जो मसाला है वो तेल छोड़ने लगे। तो काफ़ी देर तक आपको इसे पकाना है, जब तक आपका मसाला तेल ना छोड़ने लगे तब तक आपको इसे पकाना है। यहाँ पर मसाला पक रहा था उधर साइड में और थोड़ा सा नमक भी ऐड किया था मैंने उसमें। उसके बाद साइड में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, उसमें मैं जीरा राइस बनाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पर जो कढ़ाई दिख रही है आपको, उसमें मैंने घी ऐड किया है, उसमें मैं सेमे की खीर बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो पक चुका था, तो उसमें हमें ऐड करना है पनीर और जो हमने शिमला मिर्च और प्याज साइड में फ्राई करके रखा था वो भी हमने उसमें ऐड किया है और अच्छे से चला लेना है। और ढक्कन रख के हमें थोड़ी देर के लिए इसे पका लेना है। तो बस बन गया है हमारा कढ़ाई पनीर और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है गाइस। साड़ी पहनी है एक्चुअली, किसी ने मुझे बोला था कि साड़ी पर ब्लॉग बनाओ, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज साड़ी पहनी जाए। काफ़ी दिन हो गए साड़ी नहीं पहनी थी, और हाँ वो भी है कि घर पे क्या साड़ी पहने, तो इसी वजह से साड़ी पहनने का मौका ही नहीं मिला था। तो मैंने सोचा आज मौका है तो साड़ी पहन लेती हूँ। और चलिए आपको दिखाती हूँ मैंने खाना क्या क्या बनाया है और उसके बाद केक कट करते हैं और उसके बाद बात करती हूँ आपसे। यहाँ पर है कढ़ाई पनीर और उसके बाद यहाँ पर सेमे की खीर है और उसके बाद यहाँ पर जीरा राइस है और यहाँ पर है रोटियाँ। तो इतना खाना आज बना है, थोड़ा सा स्पेशल डिनर बनाया है आज। और हाँ मैं आपको साड़ी में दिखा देती हूँ फुल लुक मेरा और आपको डेकोरेशन भी दिखा देती हूँ। जब तक मैं खाना बना रही थी तब तक इन्होंने डेकोरेशन किया है, मतलब माही ने और इन्होंने मिलके किया है, क्योंकि माही का आइडिया था, माही को करना था डेकोरेशन। तो इसी वजह से माही उसके पापा को जिद कर रही थी कि नहीं डेकोरेशन करना है हमें,
तो माही ने और उसके पापा ने मिलकर डेकोरेशन किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कार्ड बनाया है, देखो देखा यहाँ पर किंग संजय और क्वीन कंचन और यहाँ पे अब्बू का दिल है। अरे 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 बहुत अच्छा है बेटा, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। हे गाइस, डिनर वगैरह हो गया है और हाँ, आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट पड़े, मैंने इतना अच्छा लगा। इस बार की जो एनिवर्सरी है आपने स्पेशल बना दी हमारी, हम दोनों की तरफ से आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू।
और आप सभी ने हमारी जो एनिवर्सरी इस बार की बहुत ज्यादा स्पेशल बना दी, बहुत ही ज्यादा स्पेशल बन गई है। इस बार की एनिवर्सरी काफी लोगों ने एनिवर्सरी विश किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आपके पड़े थे, बहुत खुश हुई हूँ मैं कमेंट पढ़ के आपके। और हाँ, लगा भी नहीं था कि क्वारंटाइन में ऐसे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे, बट हो गया। लकीली सिचुएशन अगर अच्छी रहती तो ऐसे भी अच्छी एनिवर्सरी हो सकती थी, बट ये भी एनिवर्सरी बहुत अच्छी रही हमारी। और ऐसा हमें फील नहीं हुआ कि क्वारंटाइन में हम लोग एनिवर्सरी कर रहे हैं सेलिब्रेट। तो चलिए फिर व्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया और नाम लेने का टाइम आ गया है। तो फर्स्ट नाम है सोनाली वासनिक और सेकंड नाम है वंदना चालके ने रिक्वेस्ट की है उनके बच्चों का नाम लेने के लिए। तो उनके बच्चों का नाम है सेजल, सानवी एंड सूरज। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। और हाँ, मेरी एक प्यारी से सब्सक्राइबर है अलमास फिरदौस, उनकी कल एनिवर्सरी है, मतलब जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस दिन उनकी एनिवर्सरी है। तो हैप्पी एनिवर्सरी डियर। और उनकी बेटी का बर्थडे भी है कल, तो उनकी बेटी का नाम है अजल्फा हुरेन। तो हैप्पी बर्थडे डियर। और हाँ, जिन जिन का नाम इस ब्लॉग में नहीं आया है तो प्लीज नाराज मत होइएगा, इस ब्लॉग पे आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपका नाम लेने की जरूर कोशिश करूंगी। और चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।